ठंडा लग रहा है इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे कि बॉडी गर्म हो जाए, बहुत ठंड है। अस्ताना खरोशो खरोशो ओचिन खरोशो ये खोलो ना। हे थैंक यू एंड सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। How are you? Not that phone thing. Yeah. Just type the number. Thank you. तो जिस तरह का सुपर मार्केट है यहाँ पे कजाकिस्तान अस्ताना का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आसपास काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है अगर आप देख सकते हो तो। और अभी मैं यहाँ पे मेरे होस्ट के घर के बाहर यहाँ पे यैंडेक्स में कैब बुक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे होस्ट के घर पे। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अंधेरा 8:30 बजे तक अंधेरा रहता है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था बट अंधेरा की वजह से मेरे को लगा कि अभी भी रात है। बट फिर समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ पे सुबह 8:30 बजे होता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, अब अगर देख सकते हो -12 फील्स लाइक है अभी फिलहाल। और मैंने ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहना है तो हालत ख़राब हो रहा है, जम रहा है मतलब। और ये मेरा होस्ट का घर था, तो ये पुराना सोवियत घर। अगर यहाँ का घर का सिस्टम ये है कि आपको एंटर होने के लिए यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, अगर पासवर्ड नहीं पता है तो आप घर में एंटर नहीं हो सकते हो। यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो, अगर आपको पता है कि किसके घर पे जाना है तो आप नंबर डाल के यहाँ पे बात कर सकते हो, स्पीकर वगैरह है, फिर वो लोग ऊपर से खोल देते हैं। तो कुछ इस तरह का ये अज़रबैजान में भी था, ईरान में भी था ये सिस्टम। और यहाँ और मैं यहाँ पे यैंडेक्स ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐप यहाँ का लोकल टैक्सी ऐप है लाइक ऊबर एंड ओला, तो यही यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं ये वाला ऐप यूज़ कर रहा हूँ यैंडेक्स। और अभी है टेम्परेचर -8 एंड फील्स लाइक है -14, तो -14 का टेम्परेचर अभी फिलहाल सुबह सुबह। रेमन आशीष हेलो गुड मॉर्निंग इन ब्लॉगर ब्लॉगर इंडिया यस। और यहाँ पे हालत देखो, स्नो पूरा रात को बहुत स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। अस्ताना खरोशो खरोशो ओचिन खरोशो ये खोलो ना। आई होप कि आप आज का दिन अच्छा हो जाए शाम तक और थोड़ा मैं घूम पाऊँ, क्योंकि आज आखिरी दिन है मेरा अस्ताना में, फिर मैं यहाँ से आगे निकलने वाला हूँ। यू अस्ताना पहुंच गया हूँ अपने होस्ट के लोकेशन में और यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा है। और 260 रुपये का मेरा यैंडेक्स का बिल आया है और लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर ही था। यहाँ पे इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं, अगर आप देख रहे हो तो ये सारे अपार्टमेंट्स हैं और किसी एक अपार्टमेंट में मेरा होस्ट का अपार्टमेंट है, तो अभी देखना पड़ेगा कौन सा है। भयंकर स्नोफॉल हो रहा है, 8 नंबर है, 7 नंबर बताया एंट्रेंस, तो 7 नंबर ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो है कि जूता स्लिप हो रहा है, पर हालांकि जूता अच्छा है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं है। थैंक यू बाय। तो ये है डोर जो मेरे को दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि घर कौन सा है, दुकान कौन सा है, अपार्टमेंट कौन सा है, ऑफिस कौन सा है, सबका बिल्डिंग सेम है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो अभी अंदर आ गया हूँ मेरे हॉस्ट के अपार्टमेंट में। हे थैंक यू एंड सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। How are you? Nice meeting you. Thank you. So yeah, this is the situation. You can, you know. No problem. Yeah, you can use your shoes. It's fine. Uh huh. I mean, of course, you don't need to take them off. Yeah.
a lot of space, not much furniture. This thing you can, you know, use this thing. No problem. And yeah, feel free, just, you know, take your time to. Thank you so much. Sorry for, you know, for I was about to actually go down, but I'm waiting for the guy now, so he's going to come. मैं अभी अपने होस्ट घर पे, और सबसे बेस्ट पार्ट अभी ये लगा है कि आज पहली बार मैं अस्ताना में धूप देख रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत धूप निकल रहा है, तो होपफुली आज का दिन अच्छा रहेगा और मैं थोड़ा बहुत घूम पाऊंगा. एंड ही इज जसलान. हाय. So you say Jaslan, I'm from Jaslan. That's a perfect pronunciation. Okay, great. So I got your name. So Jaslan is my host for today. And Jaslan has recently shifted to this apartment. So he's building his own house slowly. So he's not taking anyone's help. He's doing it himself. And he was telling me that my house is like this. And I hope that you can adjust. I said that there's no problem. Because couchsurfing means that you stay with the situation. And so it is, right? और यहाँ का जो लुक है ना, यहाँ का आई वॉज देयर इन द विलाज, यू नो आई टोल्ड यू राइट, आई सॉ विलाज. सो दिस इज वेयर आई वॉज, माई कार वॉज देयर. ओके. एंड आई सेड सबा एंड देन ही टुक मी हियर. सो और यहाँ पे टाउनशिप की तरह कुछ है, यहाँ पे घर सारे के सारे और सब अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट्स में बने हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर सा रोड है. ये एक्चुअली नया अस्थान, दिस इज न्यू अस्थान राइट. This is a new street, new part of the city. So basically, it's growing this way, kind of. So the older part is this way. The other side of the river. Yes, and we are going like over there. So. Okay, cool. Maybe that's okay. No problem. So. हमारा प्लान है कि बाद में लोग बाहर जाएंगे और ये नया स्थान है, अभी जस्ट नया बना ही है ये एरिया में. अभी घर वगैरह जो देख रहे हो आप, ये एकदम रिसेंटली बना हुआ है और नीचे का हाल देखो, पूरा बर्फ से भरा हुआ है और अभी जस्ट स्नोफॉल बंद हुआ है. तो अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं थोड़ा बहुत ग्रॉसरी खरीदने के लिए, क्योंकि अभी हमें भूख लगा हुआ है. तो जसलान मुझे लेकर जा रहा है बाहर इस तरफ कहीं, तो सुपर मार्केट है इस लोकेलिटी में और पूरा सफ़ेद चादर से ये जगह भरा हुआ है. अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब स्नो देखता हूँ, मतलब बचपन से ही मेरे को स्नो बहुत पसंद है. और अभी फ़िलहाल इस तरह का कंडीशन में जब मैं इन लोग की तरह जी रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और ऐसा नहीं है कि मैं टूरिस्ट हूँ, बस एक दो दिन के लिए आया चला गया. मैं यहाँ पर थोड़ा लंबा रहने वाला हूँ इस रीजन में, तो आपको बहुत सारा स्नो दिखेगा मेरे ब्लॉग्स में. Yeah. I mean, this place looks good, you know, the colors and everything. The colors, no, I don't like it. No, the colors of this, you know, this the buildings. I don't like it. You don't like it? No, but it's too much color. It's too much color, yeah, that's true, yeah. Not much style, but too much color. जसलान को यहाँ का कलर पसंद नहीं है, सो ब्लैक एंड ग्रे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यही बता रहा है. ओके. एंड स्टार्ट स्नोइंग ऑल्सो, लुक एट इट. तो यहाँ पे स्नोफॉल चालू हो गया है. तो हम लोग ये सुपरमार्केट में आए हुए हैं, तो कुछ खरीदेंगे. तो जिस तरह का सुपरमार्केट है यहाँ पे कजाकिस्तान अस्ताना का. तो यहाँ पे मैंने नूडल्स, यहाँ पे यहाँ का लोकल बन और एक पानी ले लिया है अभी फिलहाल के लिए. थैंक यू. रखने ग्रेट, वी आर सॉर्टेड विद द वाटर. आई एम हैप्पी. ठंड इतना ज़्यादा है कि मैं मेरा उंगली वगैरह एकदम जम गया है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ. सो व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट पेइंग, बाय नोइंग द फैक्ट दैट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, व्हिच डजंट फील राइट टू मी, यू नो. सो 2 minutes, राइट? या. Exactly. And also, especially with the water, because अभी वेदर तो खुल रहा है यहाँ पे, तो होपफुली अच्छा हो जाए. So are you gonna pay me from your YouTube money? No? Yeah, of course. Why not? Why not? You know, thank you so much. जो लास्ट 10 सेकंड था ना बाहर, हालत खराब हो गया, इतना दर्द हुआ था उंगली में, मत पूछो. तो ये है मेरा बिल, मैंने 1208 टेंगे पे किया था पानी नूडल्स और बन के लिए, जो 200
₹16 के आसपास आता है। और ये है मेरा रूम, मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ। ये है मेरा बेड, यहाँ पे मैंने सामान रख दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है तो फ्लोर बहुत ही डस्टी है, इसके वजह से हम लोगों ने ये यूज़ किया है। और जसलान का ये लिविंग रूम है और जसलान का ये ऑफिस है। मेरे को ऑफिस सेटअप काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, काफ़ी स्मॉल, काफ़ी छोटा सा और अच्छा सा ऑफिस है जसलान का यहाँ पे। और सिंस यहाँ पे काम चलता है तो इसने यहाँ पे प्लास्टिक डाल रखा है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से धूल जो है अंदर नहीं जाता है और इसका जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेफ है। दिस इज टेंपरेरी, या सो दैट्स व्हाट आई सेड, यू नो। तो अभी फिलहाल जसलान का ये किचन है। जसलान थोड़ा सा बोलते क्यों मेरा ऐसा दिखा रहा है, तो बोला कि भाई टेंशन मत ले, जज कोई नहीं करने वाला, ये लाइफ है। और वो अपना घर बना रहा है, सो आई एम श्योर यू नो वंस इट इज मेड एंड डन द वे यू वांट इट टू बी, जस्ट सेंड मी द फोटोज, ओके? या प्लीज डू दैट। या हम लोग फिलहाल अभी मिलके यहाँ पे विंडो फिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली ये खिड़की है, इसके सामने कुछ कवर नहीं है, तो हम लोग ये प्लास्टिक टेम्पररी प्लास्टिक कवर यूज कर रहे हैं। जैसा ये बोल रहे हैं कि जब ये रेडी हो जाएगा घर इसका, तो मेरे को टाइम लैप्स यू विल पुट इट ऑन यूट्यूब, राइट? सो आई विल शेयर दैट लिंक व्हेनेवर इट्स रेडी, ओके? श्योर। इट विल बी नाइस टू शो हाउ इट्स, हाउ यू नो यू हैव मेड इट लाइक फ्रॉम यूट्यूब। तो होपफुली जब ये घर बन जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स है, ये सारा खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे सारे ब्रिक्स वगैरह है, तो अकेला घर बनाना भी एक चैलेंज है, मतलब ये खुद से कर रहे हैं, मानना पड़ेगा यार। तो मैं इसका पार्ट बन गया हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग माय कंपनी एंड स्मॉल असिस्टेंस वर्क, थैंक्स। अभी मैं और जैस बाहर निकले हैं, जैस मेरे को थोड़ा आगे तक कंपनी करेगा एंड थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। एंड अभी मौसम ठीक है, यहाँ पे बादल है, थोड़ा बहुत नीला आसमान है, धूप भी हल्का फुल्का निकला हुआ है, बट विंडी है, विंडी की वजह से ठंड अभी भी है। तो थोड़ा कजाकिस्तान के बारे में बता देता हूँ। कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है, मतलब नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना हुआ करता था, अभी नूर सुल्तान है। और इस देश में लगभग 19 मिलियन का पॉपुलेशन है, और यहाँ का जो लोकल, यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कजाक। लोग यहाँ पे इंग्लिश, रशियन भी बात करते हैं, और यहाँ का जो करेंसी है वो है कजाक टेंगे। और ये इस्लामिक कंट्री है, बट यहाँ पे मल्टी रिलीजन फॉलो किया जाता है, आप किसी भी धर्म के हो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी कोल्ड, माई फेस इज गेटिंग यू नो वेरी कोल्ड। ठंडा लग रहा है, इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे कि बॉडी गर्म हो जाए, बहुत ठंड है। और मैं आज लेयर नहीं पहना हूँ, अंदर पैंट में ज़्यादा ठंड लग रहा है और फेस में भी। एंड थैंक यू जैस फॉर सजेस्टिंग मी। It is extreme cold, you know. You cannot enjoy like the way you want to enjoy, yeah. And you just need to be like, you know, running around and finding shelter stuff. So, ठंड इतना ज़्यादा है कि मैं, मेरा उंगली वगैरह एकदम जम गया है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा नाक वगैरह एकदम फ्रीज हो रखा है। हम लोग बस में है, मॉल पे गए थे थोड़ा बहुत, हम लोग ने अपने आप को गर्म किया, कुछ खाया। अभी बस में हम लोग जा रहे हैं सेंटर की तरफ, जो जहाँ पे स्क्वायर है। एंड जैस को घर जाना था, बट आई रियली वांट टू थैंक यू दैट यू नो यू डिसाइडेड टू कम विथ मी, एंड यू नो रियली अप्रिशिएट दैट। तो जैस मुझे लेके जा रहा है, तो हम लोग साथ में जाएंगे। यहाँ पे पंगा क्या है ना, बस में मैं अकेला अगर जाता हूँ तो फिर पे नहीं कर पाऊँगा, पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो जैस के पास कार्ड है, तो इसके कार्ड से हम लोग पे करके जा रहे हैं। तो अभी मैं हूँ बायतरक टावर के एकदम सामने, और ये मेरे सामने टावर, तो ये टावर गुलदस्ता की तरह दिखता है, लुक एट इट। और काफ़ी सुंदर टावर है, अगर आप कुछ चाहे तो टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ से पूरा का पूरा अस्ताना आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। यहाँ का व्यू, बिल्डिंग्स वगैरह, वहाँ पे एक पीला बिल्डिंग भी दिख रहा है, तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे जो आप इंजॉय कर सकते हैं। बट मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और एक दो जगह जाना है, और मैं ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रह सकता हूँ, ट्रस्ट मी। बहुत ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस है इस रीजन में, इस
टाइप की यू नो वेदर में मैं कभी आया नहीं था, तो आई थिंक थोड़ा सा कपड़ा मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपना, क्योंकि ये कपड़ा नहीं चलेगा। यार जैस बहुत ही हेल्पफुल बंदा है, बहुत सही बंदा है यार, इसकी वजह से मैं अभी घूम रहा हूँ, वरना भी मेरा हिम्मत चला गया था कि भाई मेरे को इस ठंड में नहीं, बट अभी अच्छा लग रहा है, अभी उतना ठंड नहीं फील हो रहा है अभी, हालांकि -15 है। प्रॉब्लम ये है कि हवा नहीं चलना चाहिए, बस मैं प्रे कर रहा हूँ कि हवा ना चले, अदरवाइज सब कुछ सही है यहाँ पे। मैं गलती किया, एक मेरे पास अच्छा ग्लव्स है, मैंने वो नहीं पहना, मैं ये वाला पहन के आ गया, नॉर्मल ग्लव्स है थर्मल का। मेरे पास वाटरप्रूफ विंडप्रूफ ग्लव्स है, मैं डिकैथलॉन से लिया था, वो नहीं लेके आया मैं, मतलब रूम पे है मैं पहना नहीं। और दूसरा, मैं पैंट के अंदर इनर नहीं डाला हूँ, मैं जो थर्मल इनर आता है वो भी मेरे पास है, दो गलती। और तीसरा कि मेरे को एक और लेयर कर लेना चाहिए था, मैंने सिर्फ सिंगल लेयर में आया, डबल लेयर करना चाहिए था, वो भी मेरा घर पे मैं किया नहीं। ऐसे धूप निकला था तो मैं थोड़ा सा हल्का में ले लिया यहाँ का ठंडी, और अभी मेरी फट रही है लिटरली। Yeah, so we gonna check that out also? Yeah, we can. All right, we'll check the, हम लोग यहाँ पे मॉस चेक करेंगे। आपने ये बैतलक तो देख ही लिया है, ठंड इतना ज्यादा है कि मैं सामने वाले एकदम जम गया है। मॉल है खान, इसको खान बोल नहीं पा रहा हूँ, खान शातर। तो मेरे सामने खान शातर मॉल भी है जहाँ पे मैं कल आया था। बाय द वे, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस ठंड में लोग कैसे काम करते हैं और कैसे बर्फ साफ करते हैं। तो इस तरह से जब यहाँ पे बर्फ जम जाता है और काफी ज्यादा स्नो होता है तो लोग इस तरह साफ करते हैं। तो और जब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो थोड़ा देर में ही मेरे को हालत खराब हो रहा है, ठंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ टूट के निकल जाएगा। और इन लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज कमेंडेबल, और वो भी कंटिन्यूसली पूरा दिन ऐसे ठंड में, तो हेड्स ऑफ टू देम। बहुत ही मुश्किल वाला काम है बट कर रहे हैं। यहाँ पे स्नो साफ करना इतनी ठंड में इज़ नॉट ईजी। तो अभी हम लोग दूसरे मॉल पे आए हुए हैं, मॉल यहाँ पे बेस्ट है, बाहर निकलो ठंडा हो जाता है बॉडी, उसके बाद फिर वापस मॉल में आओ, मॉल के अंदर हीटर है, गर्म हो जाओ फिर बाहर निकलो। तो ये अभी दूसरे मॉल में हम लोग आए हैं, ये सेंटर में जो स्क्वायर है, और अभी अच्छा फील हो रहा है। थोड़ी देर हम लोग मॉल में रहेंगे फिर बाहर निकलेंगे, तो कुछ इस तरह का प्लान है हमारा गर्म रहने का। आई नो कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ ठंडा का, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है जब फटता है ना, तो फटने के बाद जो मज़ा आता है ना वो अलग मज़ा आता है। तो कुछ इस तरह तो ये है नूर अस्ताना मॉस्क, और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से, और पीछे सनसेट के वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये मॉस्क जो है एकदम सेंटर में है, जहाँ पे अभी मैं स्क्वायर में था, स्क्वायर से बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 900 मीटर्स में चल के आया हूँ, और ये मॉस्क यहाँ पे सामने में है। तो अभी हम लोग आ गए मॉल में, और यहाँ पे हम लोग कुछ बियर वगैरह लेने वाले हैं, शायद ये टकीला है, वोडका वगैरह है, वाइन है, दारू है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से कुछ बियर ले, सो व्हाट वी आर पिकिंग अप, सो दिस वन इज मिलर, नॉट द बैड वन, एंड दिस वन इज द लोकल, आई थिंक। या आई वुड ट्राई, बिकॉज़ आई व्हेन आई ट्रैवल टू कंट्री आई ट्रैवल आई लाइक टू टेस्ट द लोकल बियर। द गुड थिंग इज चीप एंड इट्स द टेस्ट इज ओके, यू नो, इट्स गुड टेस्ट। ओके, सो आई गॉट दिस इज फ्रॉम कजाकिस्तान, राइट? आई थिंक, या आई थिंक इट्स फ्रॉम, मेबी इवन फ्रॉम कारागंद, लेट्स चेक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट द बिग, या आई थिंक इट्स फ्रॉम कारागंद। कूल, आई डोंट माइंड, यू नो, आई जस्ट लव लोकल बियर, सो द टेस्ट इज नाइस, कूल। यहाँ पे ऐसा सब बियर है ना, कभी मैंने नाम सुना नहीं, इंटरनेशनल बियर्स है यहाँ पे, बट ये सारा लोकल बियर है, ये लोकल बियर है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बियर लिया, यहाँ पे सुपरमार्केट था मॉल के अंदर, तो हम लोग अभी वहाँ से कुछ सामान लिए हैं। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोगों ने यैंडेक्स बुक कर लिया है, और आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं आज, बट जितना कोशिश किया मैं दिखा सकूँ मैंने दिखाया, और एंड थैंक्स टू जैस जो मेरे साथ आया है आज, और हम लोग साथ में एक्सप्लोर किए हैं सेंट्रल एरिया। कल सुबह मेरा ट्रेन है नेक्स्ट सिटी के लिए, वो कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग। बाय फ्रॉम अस्ताना, कजाकिस्तान।
Bye. Bye.